उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के ऊपर की हुई रिपोर्ट्स के लिए केरला के दो न्यूज चैनल्स मीडिया वन और एशियानेट को सरकार ने बैन किया था 48 घंटों के लिए, लेकिन उसके बाद जब इस फैसले की क्रिटिसिज्म हुई फिर सरकार ने अपना फैसला वापस लिया और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार मीडिया की निष्पक्षता के लिए, मीडिया की फ्रीडम के लिए कटिबद्ध है। लेकिन जहां पर एक तरफ ये फैसला लेकर के वापस लिया गया, वहीं पे पत्रकारों का कहना है कि इन दंगों के दौरान ना सिर्फ शुरुआत में पत्रकारों को टारगेट किया गया, अलग अलग जगहों पे पत्रकारों को रोकने की कोशिश की गई और पुलिस ने पत्रकारों की मदद भी नहीं की। This is a new era of undeclared emergency and fascism which is taking place. Emergency was declared emergency, here it is undeclared emergency. I don't want to say, old people tend to talk too much, I don't want to say any. We've come in total solidarity, we are holding our own meeting to protest this ban and other bans. Passion ko badhane ke liye kaam kiye hain. पुलिस को अपने काम से हम लोग रोके हैं और उसके पुलिस को बदनाम करने के लिए हमारी तरफ से कोशिश हुई है और आरएसएस को खास करके हमने टारगेट करके हमारा रिपोर्टों में आरएसएस के खिलाफ हम लोग खबरें देते हैं। ये सब चीज़ें सरासर झूठ है क्योंकि मीडिया वन उनके 7 साल से जो हिस्ट्री में कभी कोई किसी के पक्ष में खबर नहीं दिया है। इधर का केरला का लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं और केरला के जितने भी हमारा व्यूअरशिप है वो उसके वाकिफ भी है, लेकिन हम लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो वर्जन है खाली आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए तो फिर कोई टेलीविजन चैनल का या कोई मीडिया का कोई ज़रूरत हिंदुस्तान में नहीं है ना। आप लोग बिलबोर्ड लगाइए पूरे जगह जगह में, कोने कोने में बिलबोर्ड लगाइए और उस पर गवर्नमेंट का आज की खबर क्या है उसको छाप के रखिए। मीडिया है तो गवर्नमेंट को अगर पसंद हो ना पसंद हो, क्या कोई संगठन को पसंद हो ना पसंद हो, पुलिस ने गलत किया है सही किया है सब चीज़ें हम रिपोर्ट करेंगे, करते आए हैं, अभी भी आगे भी हम लोग करेंगे। The things which were covered also, there were several incidents that all of us know, all of us media persons know, where the Delhi police was not there at all. So it's not something which is rocket science at all. So how is it? The first question to be asked is that how is it that, you know, 53 or more people who have been killed in the national capital, where the elite Delhi police force is there, where you have a surfeit of paramilitary forces also. So that is my second point. As far as the action which has been taken or sought to be taken and later on the ban has been revoked by the government, the action which was taken was a case of clear overreach. It was a case of clear absolute overreach. In fact, several journalists, you know, have been attacked by communal mobs. There was a case of this journalist, all of you know, who was asked to remove his trousers in order to show his religious identity. So in the face of all this, I think it is extremely arrogant of this government to impose to, or at least to thought to impose a ban on transmission on television channels as well as media, you know, who are doing their duty. जहाँ पर एक तरफ सरकार को ये देखना चाहिए था कि पत्रकार इस तरह के माहौल में अपना काम निष्पक्षता के साथ कर पाए, वहीं पे दूसरी तरफ पत्रकारों पर ही निशाना साधा गया। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।